पास में ठीक की परी है। तो गाइस हमारी ढोलक ले गई गरीब के पेट में लात मार के, अब हम कमाए ले ए ढंग से तो खा लेता ऐसा यूट्यूबर नीचे से थोड़ा सही चले नहीं भैया बता रहे हैं लो भाई स्वागत कीजिए तू ठीक हो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो आज है 16 दिसंबर, अजय राठौड़ का बर्थडे, भैया का बर्थडे है आज। तो अभी बहुत टाइम हो चुका, हम सब सुबह से काम में लग रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम तो मैं एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ और सब लोग पूरे घर वाले काम में लग रहे हैं। दीदी इधर काम कर रही हैं, आंटी जी गई हैं सामान लेने, अंकल जी भी बाहर गए। हेलो शिवम भैया, हैप्पी बर्थडे। हेलो, मैंने हैप्पी बर्थडे बोला है, विश तो कर दो। थैंक यू, वेलकम गाइस, आप लोग भी कमेंट में विश। एवरीवन, तो आज है 16 दिसंबर और आज है मेरा बर्थडे, तो सोच रहे हैं कि शाम को छोटा सा प्रोग्राम रख लेते हैं केक वगैरह काटने का। तो फिलहाल तो चलते हैं दूध लेने और फिर आके डेकोरेशन वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम है शाम का। तो गाइस ये सारे यहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे अब ये लोग पतंगे उड़ा रहे हैं अपनी अपनी, और ये शुभम भैया उड़ा रहे हैं, ये रूट के चले गए, ये रोहित भैया उड़ा रहे, मनीष भैया जो रूट के गए थे वो वापस आ चुके हैं पतंग काटने के जोश में, लेकिन उनसे कटेगी तो। रोहित भैया की पतंग जो थी वो कट चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने फिर से पतंग को उड़ा लिया। उनकी पतंग है वो वाली, वो जो सबसे ऊपर उड़ रही है वो वाली इनकी पतंग है। 2 3 स्टार्ट। इधर हाथ लगा ले यहाँ, तो यहाँ करती 1 2। अरे ऐसे मत दे, इसका जोर लगेगा ऐसे। अपनी बराबर कर, सही से ठीक है, थोड़ा पास में 3। तो पतंग उड़ा लिया और अब केक वगैरह लेके आते हैं। आज यूट्यूबर नीचे थोड़ा सही चले। तो केक ले लिया, अब घर चलते हैं, बैलून फुलाते हैं, चले गाड़ी स्टार्ट कर, फटाफट गुब्बारे फुलाओ। तो अब चलते हैं चाची को लेने, ये सब बैलून फुला लेंगे, इतनी देर में चाची को लेके आ जाऊंगा। तो चलो चलो घर चलो। थैंक यू, ले चलो खड़ा फटाफट, खड़ा हो नाटक नहीं, हाँ फुलाओ फटाफट गुब्बारे फुलाओ, 1 2 मनीष गुब्बारे फूट जाएंगे ज्यादा मत, कुछ इतने से गुब्बारे फुलाए अभी, और अब जा रहे हैं खाना खाने, दोबारा आके फुलाते हैं। खाने में स्पेशल टिक्कड़ और ये पता नहीं कहाँ की सब्जी, हरी सब्जी है। प्लेट से ज्यादा बड़े लोग हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये इनकी एक प्लेट, एक प्लेट में 5-5 जने बैठे हैं। सब्जी तो ले लो, सब्जी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा ठंड हमारे अंकल जी को लगते हुए। हम सब ने खाना खा लिया है, अब है टाइम अंटियों की खाना खाने की, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। बलून को फुला के डेकोरेशन भी करनी है, इनका खेल ही खत्म नहीं हो रहा सबका। जो बलून फट रहा है उसकी चटपटी बोलते हैं इसको, हाँ चरपोटी, ये देखो। अब ये आप कालू भैया के सर पे फोड़ना, कॉम्पिटिशन वो जीतेगा। चलो एक के पास मशीन है, दोनों मुंह से बुलाएंगे, वो मशीन से बुलाता है, कौन जल्दी बुला पाता है। मनीष जीता है और मोहित जीता है, सनी भी हार गए, क्या मशीन भी हार गई, मशीन रह गई काट लगाने में। पहले तो मैं ही आ जाऊं, ये काम है।
पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। कर रहे थे सनी ब्याह को बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे डेकोरेशन, अब खुद कर रहे हैं वो डेकोरेशन, कर रहे हैं हमारे डेकोरेशन। हाँ सनी भैया ऐसे सीख गए सनी भैया, क्या डेकोरेशन करी आपने? सिंपल डेकोरेशन हमारे सनी भैया ने कर दी डेकोरेशन। गाइस डेकोरेशन तो पूरी हो चुकी पर ये तो गाइस डेकोरेशन तो पूरी हो चुकी है, केक भी आ चुका है, बट ये लोग केक काटने को तैयार नहीं है। गया अच्छा केक को यार उठा के गया ढोल तो अंकल जी भी आ चुके हैं, अंकल जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। अंकल डेकोरेशन अच्छी है लेकिन डेकोरेशन करने वाले बेकार है। काय कर रहा हो यार तुम, काय काय लगाओगा सही लगेगी डेकोरेशन में है बस। एक यहाँ सच में अच्छी लगेगी ना, एक मत लगा जो कोई भी। ये आपका यूट्यूबर आपके बातें चिपकाएगी? नहीं यूट्यूबर कहीं नहीं, फिर फोटो खींचेगा। काट इस चाकू से, काट क्या स्टार्ट करो देव। हैप्पी बर्थडे टू यू, नाचो बनमन चालीस चला दे सारे के साथ नाच ले। गणेश बंधन लगाते थे बंद तो यहाँ पे मनीष नाचे को चुंदरी जयपुर से मंगवाई। Yeah.
आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।